हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हूँ खुश हूँ अज़े में हो मैं भी अलमदुल्ल बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आज का ब्लॉग सहरी से शुरू किया है एज यूजल चाय बन रही है आ, सहरी में जो कि सबसे ज़रूरी थी और माशाला से आ, जो है रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है आई थिंक दो या तीन रोज़े अब बस अलहमदिल्ला रह गए अलमदिल्लामदिल्ला बड़े अच्छे से जो है ये हमारा रमज़ान गुजर और आगे हम लोग अब ईद की तैयारी करेंगे और और ईद की तैयारी में जहाँ हम अपनी सब चीज़ों का ख्याल है रखते हैं अपनी ज्वेलरी कपड़े शूज़ फूड का वहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ एक और है वो है हमारी स्किन केयर और मैं आज आपके साथ एक स्किन ग्लो चैलेंज लेके आई हूँ जो कि तीन दिन का है और ये ईद की प्रेपरेशन में एक अहम पार्ट है ईद की प्रेपरेशन में मैं आपके साथ आज एक फ़ेस मास्क शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन लाइटन और स्मूथ शाइनी बनाएगा और इससे जो आपकी स्किन पे ग्लो आएगा वो आपको ये तीन दिन के जो चैलेंज है इससे ही आप पता चलेगा पहले दिन के इस्तेमाल से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त फेस मास्क है तो तीन दिन फॉलो कर लें ज़बरदस्त है और ईदगाह दिन आपका स्किन जो होगी बेहतरीन लगेगी और लेकिन वही बात दोबारा मैं आपको कहूँगी कि पहले दफ़ा के इस्तेमाल से ही ये आपको बेस्ट रिज़ल्ट देगा तो शुरू करते हैं आ, मैं यहाँ पे एक बाउल ले रही हूँ और ये मैं अपने हाथों के लिए और फेस के लिए और नेक के लिए पाओ के लिए बना रही हूँ और उतना ही क्वांटिटी में मैं ये लूँगी आप ये अपनी बॉडी के कहीं पे भी, भी पार्ट में लगा सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हर स्किन टाइप के जो लोग हैं इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं औरतें और इवन के गर्ल्स जो होती हैं वो भी कर सकती हैं और जिनकी नेक काली है वो भी इसको इस्तेमाल करें एक दफ़ा में ही इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा तो एक प्याली ले लिया मैंने आप चीनी की प्याली ले लें तो इसके अंदर आपने डालना है बेसन सबसे मेन चीज़ है बेसन तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन तो थ्री टेबल स्पून मैं लूँगी बर्कर ठीक है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये आ, अपने फेस नेक बाजुओं के लिए सबके लिए ले रही हूँ तो यहाँ पर मैंने डाला बेसन इसके अंदर और यहाँ इसके साथ ही हम डालेंगे हल्दी हल्दी हमने डाली है वन फोर टी स्पून आप ये हैं सोचेंगे इसे कलर आपके फेस पर आ जाएगा कोई ऐसा मसला नहीं है जब आप इसको लगाते हैं तो कोई भी कलर आपके फेस पर नहीं छोड़ नहीं छोड़ता ये और इसके बाद इसके अंदर हम लेमन डालेंगे और लेमन के आपने वन फोर टी स्पून डालना है लेमन जूस और फ़्रेश लेमन लीजिएगा बॉटल वाला यही यूज़ करना आपने तो यहाँ पर आ, मैंने डाल दिया वन 4 टी स्पून लेमन जूस और कतरों के मुताबिक अगर आप डालेंगे तो सात से आठ ड्रॉप आप लोगों ने डालनी है इसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना है ऑलिव ऑयल और ऑलिव ऑयल हमने तकरीबन वन फो वन फोथ टी स्पून ही डालना है क्योंकि अब इससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो होती है बिल्कुल ड्राई नहीं रहती बहुत स्मूथ और शाइनी हो जाती है नेक्स्ट चीज़ हम जो इसके अंदर डालेंगे वो हम दही डालेंगे दही तकरीबन हम लोगों ने इसके अंदर टू टेबल स्पून ही ऐड करनी है यह समझ लें कि आपने इतनी दही और दूध ऐड करना है कि इसकी जो एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए और इसकी कोई खास क्वांटिटी नहीं है आपके बेसन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है दूध और दही हनी इसके अंदर हम तकरीबन आधा टेबल स्पून डालेंगे या वन टी स्पून भर के हनी डाल दीजिएगा और इसके बाद इसके अंदर अब जाएगा दूध और वही बात है कि दूध और दही आपने अपने बेसन को स्मूथ करने के लिए उसकी पेस्ट बनाने के लिए उतना डाल सब चीज़ों को डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें और सबसे लास्ट में इसके अंदर मैंने वन टी स्पून बढ़कर रोज़ वाटर ऐड किया था और इस तरह के आपने इसको स्मूथ पेस्ट नहीं लेने चाहिए इसके इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो है फेस मास्क रेडी है अब हम इसको अप्लाई करेंगे और कोई आपने ब्रश ले लेना है जिसकी मदद से आपने इसको अप्लाई करना है और ब्रश जो होगा इस तरह का नरम सा कोई हो तो वो आप इसको क्योंकि फिंगर के साथ ये लग नहीं सकेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं है हमने इसको इसको ना बहुत थिक बनाना है तो ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है और क्या इसके अलावा ये है कि ड्राई और डल स्किन के लिए भी जिन लोगों की ड्राई और डल स्किन है उसके लिए भी ये बेस्ट फ़ेस मास्क है तो आज इसको अप्लाई करते हैं और मेरा आज फर्स्ट डे है तो मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखा तो सबसे पहले इसको फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ बालों में कोई बैंड लगा लें क्योंकि बेसन है कोई बांध अगर बालों के पास लग भी जाएगा अगर आप शावर लेने से पहले लगा लें तो ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अगर कोई बालों वरह में लग भी जाए तो आपका इसको वॉश करने में आसानी हो इसी तरह पूरे फेस पर आपने इसको अप्लाई कर लेना है ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मेरी स्किन पर बिल्कुल भी कोई निशान या कोई कोई दाग धब्बे नहीं है बिल्कुल क्लियर स्किन है हाँ कभी कभी मेरी स्किन ड्राई हो जाती है क्योंकि मेरी नॉर्मल टू तो ड्राई स्किन है तो मैं यही हमेशा फ़ेस मास्क जो है अप्लाई करती हूँ कोई भी हाँ मौका तो ये बेस्ट है मुझे हमेशा इससे बहुत सेटिस्फाइड में होती हूँ तो इसलिए सारी तरफ फेस पर अच्छी तरह इसको आपने लगा लेना पंद्रह मिनट के लिए आपने इसको लगा के रखना है नेक पर जरूर लगाइएगा और जहाँ जहाँ पर भी मतलब कि आपके बाजुओं पर हाथों पर पाँव पर लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं और इसको मैंने अच्छी तरीके लगा लिए अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिए हाथों पर अप्लाई कर लेंगे और सबसे पहले डेफिनेटली फेस पे लगाएं क्योंकि फिर हाथों पे पहले अगर लगा लिए तो फिर फेस पे लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पाँच मिनट रखने के बाद लगा कर तो आपने इसको थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा स्किन के ऊपर तो आपने फिंगर पे हल्का सा पानी लगा कर इस तरह हाथों से थोड़ा सा स्क्रब करना देखिए हल्का हल्का वेट करके आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना जिस तरह के करते हैं दो तीन मिनट आप मसाज करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे लगा दें फेस के ऊपर और तकरीबन पंद्रह मिनट के अंदर अंदर इसने ड्राई हो जाना है बल्कि कुछ का तो बहुत जल्दी पहली दफ़ा में तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और उसके बाद आपने इसको करना है कि जब आपको लगे कि ये ड्राई हो गया तो आपने अपना फ़ेस वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर के साथ और इसके बाद आपने इस पर कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है हाँ अगर आप लगाना चाहें तो रोज़ वाटर लगा सकते हैं और क्योंकि हम इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट कैसा है मेरे कहने पर एक मरतबा इस फेस मास्क को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और आपको कीन पसंद आएगा रिज़ल्ट जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में फेस मास्क तो बड़ा ज़बरदस्त था और उसका रिजल्ट भी आपने देखा है बहुत अच्छा आया है तो अब तैयारी कर लेते हैं अपनी इफ्तार की और इफ्तार की तैयारी में आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ और चाइनीज़ में मैं दो चीज़ें बना रही हूँ चिकन मंचूरियन और इसके साथ मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस तो उसके लिए चीज़ें ताकत है पहले कट करनी होती हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कटिंग कर लो तो फिर आप कुकिंग को बहुत आसानी से कर सकते हो बेल पेपर इसमें मैं डाल रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन कैरेट्स है कैरेट्स जो थी मैंने गोल गोल काटी हैं ताकि वो बच्चे नाम से खा लेते हैं और चिकन को मैंने प्रेप किया था सबसे पहले और इसको मैरिनेट करना होता है और ये छोटा थोड़ा लंबा काम है ये मैं चिकन मंचूरियन के लिए रेडी कर रही हूँ चिकन के जो है ना मैंने मैरिनेट करके तो इसके इसको, इसको फ्राई करके रख लिया था और जब इफ्तार से थोड़ी देर पहले मैंने इसकी सॉस वगैरह तैयार करके तो फिर रेडी किया था क्योंकि मेन काम इसको मैरिनेट करके इसके इस तरह इसको फ्राई करना होता है तो इसकी रेसिपी सॉरी मैं आपका शेयर नहीं कर सकी हूँ दरअसल वजह क्या थी कि मेरे फोन की बैटरी हो गई थी डेड जब मैं ये सब काम कर रही थी सो so, मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम फिर जब मैं बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगी और लेकिन जो चिकन फ्राइड राइस है उसकी कंप्लीट रेसिपी इन शाला मैं आप शेयर कर दूंगी क्योंकि तब तक जो फ़ोन की बैटरी थी वो चार्ज हो गई थी यहाँ पर मैंने सब चीज़ें प्रैप करके रखी हुई हैं ये रा, राइस के लिए जो चीज़ें प्रैप की थी वो हैं तो चले आगे मैं आपको फ्राइड राइस चिकन को सबसे पहले मैंने मैरिनेट किया था और उसके साथ ही मैंने चावल बॉयल कर ली थे क्योंकि चावल चावल जो होते हैं वो पहले से अगर आपके पास कुक हो तो आपके फ्राइड राइस पूरे अच्छे तैयार होते हैं मेरे पास लेफ्ट ओवर नहीं पड़े हुए थे पुराने कोई नहीं पड़े हुए थे फ्रिज में तो मैंने फ़्रेश बनाए थे लेकिन सबसे पहले मैंने चावल ही बना लिए थे और ये वाले जो चावल हैं ये मैंने थोड़े मोटे वाले लिए हैं जो कि जिस तरह के बासमती राइस नहीं है ये ये थोड़ा सिल्ला टाइप राइस है थोड़े मोटे वाले हैं एक दफा मैंने मंगवाए थे राइस लेकिन वो बहुत न, जो थे ना थोड़े मोटे आ गए थे तो मैंने सोचा था कि वो मैं इनको आ, फ्राइड राइस के लिए यूज़ कर लूँगी जो तो बेस्ट रहते हैं पॉट में ऐड किया मैंने टू टेबल स्पून ऑयल उल, ऑलिव ऑयल उल, इसमें लहसन अदरक की पेस्ट आ रही हूँ वन वन टेबल स्पून चावल जो है मेरे पास दो कप मैंने बॉयल की हैं उसके लिए मैं फ्राइड राइस तैयार कर रही हूँ तो लहसुन अदरक को आपने फ्रेश वाला जो लहसुन अदरक होता है वो लेना उसको आपने बहुत हल्का सा ऐसे एक मिनट के लिए आपने ऑयल में भूनना है इसके बाद इसके अंदर हमने जो वेजिटेबल काट के रखी थी वो ऐड कर देंगे सारी जो भी आपको पसंद हो वो आप, आप डालें तो मैंने यहाँ पर आ, कैरेट ली है कॉर्न लिए हैं और ये मैंने फ्रोज़न वाली ली है थोड़ी सी मैं फ़्रेश कैरेट भी डालूंगी और ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छे से इनको कर लेना है मिक्स इसी पैन में आपने जो है अंडा भी दो या तीन अंडे जितने आपको पसंद हो बीट कर लें नमक और काली मिर्च डालकर और थोड़ा सा ऑयल डालें और अंडे को ऐसे स्क्रैम्बल एग की तरह बना लें इसके बाद इसके अंदर इस, आ, मैंने हॉट सॉस ऐड किया तकरीबन थ्री टेबल स्पून काले मिर्च का पाउडर वन टी ऐड किया मैंने इसके बाद इसके अंदर हमने सोया सॉस ऐड करनी है तकरीबन थ्री टेबल स्पून के करीब ये सब चीज़ें फ़्लेवर के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं नमक भी आपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है इसके बाद इसके अंदर हम डाल रहे हैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर वाइट वाइट पेपर पाउडर डालेंगे वो हमने वन टीस्पून डाला है और चिकन जो था वो मैंने छोटे छोटे क्यूब में चिकन नगिट थे मेरे पास मैंने उन्हीं को छोटे छोटे पीस में फ्राई करके वो डाला है मैंने इन सब चीज़ों को डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है मैंने बेल पेपर जो काट के रखी है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है थोड़ी सी वेजिटेबल जो मैंने लहदा से काट के नर, उनको ऑयल में फ्राई किया था वो भी मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे वेजिटेबल थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने लहदा से उसको पैन में किया हुआ था वो मैंने डाल दिए इसके अंदर सब चीज़ों को डाल लें अब और अच्छे से इनको कर लें आप मिक्स क्योंकि आ, बहुत थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है ये वाला मिक्स करने का क्योंकि काफ़ी अच्छे से मिक्स करना पड़ता है ये देख लें माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया और इसके बाद मैंने इसको रख दिया ज़्यादा मैंने इसको नहीं पकाया था क्योंकि मुझे इफ्तार के टाइम इसको दोबारा गर्म करना था बस मैंने इनको डाल के साइड पर कर दिया और तकरीबन वन या टेबल स्पून विनीगर भी मैंने इसमें डाला था इसको डाल के आप साइड पे कर दें कुछ लोग इसमें कैचे भी डालते लेकिन मैंने नहीं डाली है थोड़ी सी शुगर मैंने ऐड कर दी थी वन टीस्पून के करीब जिससे कि बड़ा अच्छा जो फ्लेवर आता है तो यहाँ पे देख लें मज़ेदार से राइस तैयार है और इनको तैयार करने के बाद मैंने इनको कवर करके रख दिया था और चिकन मेरा फ्राई हो चुका है उसकी सॉस जो थी वो मैंने आ, बिल्कुल इफ्तार के टाइम पर ही तैयार की थी मज़ेदार सा ये मंचूरियन मेरा तैयार था इसको थोड़ा मैंने स्पाइसी रखा था जिस तरह के चिली चिकन होता है उसमें थोड़ी चिली ज़्यादा होती है तो वो चिली चिकन होता है तरीबन तरीबन सॉस जो होती है ना ये सेम मिलती जुलती होती है थोड़ी सी बस उसमें ना इन्होंने हॉट सॉस ऐड की होती है तो बस हमले मैंने मंचूरियन और और चिली चिकन के बीच वाली चीज़ बनाई है क्योंकि मंचूरियन कि वो मैंने थोड़ा स्पाइसी कर दिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ था चिकन को पहले फ्राई करके रख लें और जब सॉस में आप उस वक्त ही डालें जब आपने इसको सर्व करना है इनशाला नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और क्योंकि चिकन जो होता है ना वो क्रिस्पी क्रंच जो होता है ना उसका अच्छा रहता है सॉस में डाल के अगर आप पहले रख देंगे तो उसका जो जो, जो चिकन के पकौड़े होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं सबसे एंड पे मैंने इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन लिया था थोड़ी खूबसूरती के लिए आ, मैंने इसके ऊपर थोड़े से तिल भी ऐड कर दिए थे तो थोड़ा सा डिफरेंट किया था चलो जी खाना है लेकिन वो खाना बनाए जो बच्चों को पसंद हो जैसा कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ रेस्टोरेंट बंद है और बंदा वैसे भी त्याग कर रहा है कि यार ना ही बाहर से फूड खाए जो घर की बनाई चीज़ें होती, हो, होती है वो ज़्यादा होमेड़ बेस्ट होती हैं आपको पता है होम मेड होम मेड इज़ द बेस्ट आप सब की फरमाइश पर मैंने लेमन केक की रेसिपी अपने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया है और जिस चीज़ ने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा और हम अपने ईद पे चाय के टाइम पर वो केक बनाएं आपको ज़रूर पसंद आएगा और मैं सोच रही थी कि जितना ज़्यादा आप सब ने इंसिस्ट किया था कि लेमन केक की रेसिपी जरूर शेयर करें तो उतने ज़्यादा आप लोगों ने वॉच नहीं किया आई नो कि थोड़ा सा बिजी स्कैजल चढ़ लेकिन जब भी टाइम मिले तो ज़रूर वॉच कीजिएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा तो इफ्तार का टाइम हो गया था चावल जो थे वो मैंने दोबारा गर्म कर लिए थे तो आज की इफ्तार में बस हमारे पास था फ्राइड राइस और उसके साथ मंचूरियन चिकन इसी को हम लोगों ने एंजॉय किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया थोड़ा सा चिकन जो है वो मैं मंचूरियन ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को दोबारा खाना भी पसंद है सो यहाँ पे आ, मैं अपना ब्लॉग करूँगी एंड दुआओं में याद रखिएगा एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ जैसा कि आपको पता है कि मैं अब हर सेकेंड डे जो होता है ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ तो ज़रूर वाच किया करें एक दिन मैं वीडियो क्लिप बना लेती हूँ और नेक्स्ट डे उसको अपलोड कर देती हूँ कंटिन्यू मैंने रखना रखा है कि चले मैं अब सब आप लोग गिला करते हैं कि आप आ, रेगुलर व्लॉग नहीं डालती तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि मैं अब रेगुलर व्लॉग अपलोड करूँ और जो आपका ये गिला है वो दूर हो जाए मेरी कोशिश कितनी कामयाब जाएगी कि ये तो अब आपके व्यूज से आप देखेंगे तो पता चलेगा सो टाइम निकाल कर जरूरवाच किया करें लाइक किया करें वीडियो को शेयर किया करें कमेंट किया करें इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ तो हमें याद रखिएगा ईद की तैयारी में आइनों के सब आजकल बिजी हैं सो घर पे ही रहें ताकि जो ये वबा ये जो बीमारी है ये ख़त्म हो जल्द से जल्द जल और आने वाला जो नेक्स्ट ईयर हो हमारी रमज़ान और हमारा ईद जो होगी बहुत अच्छे से हम मना सकें इस कोरोना के बग़ैर टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू गाइज